नमस्कार, आपका स्वागत है जानवर मानो में। मैं अंजू व्याला इंटरजाइनर वास्तुशास्त्री और न्यूमोलॉजिस्ट आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मूलांक 3 या पर्सनैलिटी नंबर 3 के बारे में। जो भी व्यक्ति 3, 12, 21 या 30 तारीख को किसी भी महीने की इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी ईयर बॉर्न होता है, वो पर्सनैलिटी नंबर 3 का होता है। पर्सनैलिटी नंबर 3 को प्लैनेट जुपिटर रूल करता है या बृहस्पति रूल करता है। हम सबको पता है जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है और उन्हें देवगुरु भी कहा जाता है। गुरु जो हमें ज्ञान देते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं, वो सभी ग्रह के गुरु होते हैं और गुरु की ज़रूरत तो सबको पड़ती है। ग्रहों के राजा सूर्य को भी जब भी ज़रूरत पड़ती है कुछ सलाह की तो वो अपने गुरु के पास ही जाते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं बृहस्पति की कौन सी क्वालिटी पर्सनैलिटी नंबर 3 में रिफ्लेक्ट होती हैं और पर्सनैलिटी नंबर 3 में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं। पर्सनैलिटी नंबर 3 वाले बहुत अमेजिंग पर्सनैलिटी के होते हैं। वो विजडम से भरपूर रहते हैं, वो बहुत लॉयल रहते हैं, जेन्यून रहते हैं और वेल ऑर्गेनाइज रहते हैं। वो बहुत वेल डिसिप्लिनड भी रहते हैं, उनमें कॉमन सेंस की कोई कमी नहीं रहती है। वो बहुत एम्बिशियस रहते हैं, वो सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। वो अपनी सफलता से भी कभी कभी खुश नहीं होते, वो चाहते हैं कि वो और मेहनत करके और आगे बढ़ें। वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, वो टाइम की कीमत को समझते हैं, सब काम को रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ करते हैं और जो भी उनके साथ काम करते हैं वो उनसे भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी पूरी ईमानदारी और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके काम करें। पर्सनैलिटी नंबर 3 वाले दे आर बॉर्न क्रिएटिव, वो बहुत क्रिएटिव रहते हैं। उनमें एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी रहती है, सारे लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं, उनसे मिलना उनसे बात करना पसंद करते हैं। उनमें सोशल स्किल्स भी बहुत अच्छी रहती हैं, उनको एक लग्जूरियस पॉश लाइफ जीना पसंद आती है, उनको अच्छी क्वालिटी की चीज़ें लेना, एक्सपेंसिव चीज़ें लेना पसंद आती हैं। वो कभी भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, वो किसी से भी ऑब्लिगेशन लेना भी नहीं पसंद करते हैं, खुद की मेहनत से चीज़ों को पोजेस करना चाहते हैं। ये लोग बहुत स्पिरिचुअल और अकल साइंस में भी बिलीव करते हैं, अपनी सफलता के लिए उसका यूज़ भी करते हैं। बहुत लविंग, केयरिंग और हेल्पफुल रहते हैं, जिनको भी ज़रूरत रहती है तो किसी की भी सेवा और मदद करने के लिए ये तत्पर रहते हैं। पर्सनैलिटी नंबर 3 वाले बहुत फियरलेस रहते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रहते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। कभी जीवन में कोई तकलीफ आती है, कुछ ऐसा समय आता है जो उनके भी कंट्रोल में रहता है तो वो भी दुखी होते हैं, मगर थोड़ी ही देर बाद एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसका सामना करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दे आर वेरी गुड प्लानर, लॉजिकल प्लानर्स, अपनी लाइफ को वेल प्लान करके चलना चाहते हैं, हर किसी काम को वो प्लानिंग और लॉजिक के साथ करते हैं। पर्सनैलिटी नंबर 3 वाले सेल्फ ड्रिवन होते हैं, उनको कोई भी डोमिनेट करे या रूल करे या कंट्रोल करे उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता, वो अपने मर्जी के मालिक रहते हैं, उनकी कोई इंसल्ट करे वो भी उन्हें सहन नहीं होता है। पर्सनैलिटी नंबर 3 वाले बहुत फूडी होते हैं, उनको एकदम गरम गरम स्वादिष्ट खाना अच्छा लगता है, रेगुलर खाना उन्हें पसंद नहीं आता है। उनको अपनी नॉलेज शेयर करना भी बहुत पसंद आता है, वो अपनी नॉलेज को अपने तक सीमित नहीं रखते, वो दूसरों को वो बांटना चाहते हैं। दे आर द ट्रू वेल विशर्स, आपके लिए कभी भी वो जेलस नहीं होंगे, आपके लिए हमेशा अच्छी एडवाइस देंगे, आपका अच्छा चाहेंगे। तो अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई नंबर 3 है तो प्लीज़ उसको ट्रेजर करिए, क्योंकि वो आपके लिए भी कभी भी कोई भी मोमेंट पे हमेशा आपका साथ देगा और आपके लिए हमेशा हेल्प के लिए तत्पर रहेगा। अब हमने जान लिया पर्सनैलिटी नंबर 3 की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, आइए अब हम जानते हैं कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिनका उनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें पता है नंबर 3 वाले बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, वो 24/7 काम कर सकते हैं, मगर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो उनके साथ रहते हैं या उनके साथ काम करते हैं वो भी उतनी ही लगन से उतने ही हार्ड वर्किंग बन जाए, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए कभी कभी लोग उन्हें बहुत डोमिनेटिंग, अथॉरिटिव और डिक्टोरियल मानने लगते हैं, वो बहुत स्टबन हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं क्योंकि उनके मुताबिक काम नहीं होता। तो हमें थोड़ा सा कोशिश करना चाहिए नंबर 3 वालों, क्योंकि वो थोड़े फ्लेक्सिबल हो जाएं,
सबको अपने बराबर का मेहनती ना समझे, उनको भी उनका टाइम दे और उनकी भी ज़रूरतों को समझ के और साथ में काम करें अच्छे से। और दूसरी बात, पर्सनालिटी नंबर 3 वाले बहुत फूडी होते हैं, उनको हॉट, स्पाइसी और एकदम मसालेदार खाना पसंद रहता है। मगर आप ध्यान रखिए, अपना डाइट पे कंट्रोल कीजिए, हेल्दी आप डाइट खाइए ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें। और तीसरी बात, वो लोग बहुत खर्चीले होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव और हाई क्वालिटी चीज़ें उनको पसंद आती है, इस कारण उनका खर्चा बहुत होता है। मगर इस पे उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए और अपने ओल्ड एज के लिए थोड़ी सेविंग्स भी करनी चाहिए। और चौथी बात, लास्ट, उन लोग को हमेशा सब पे जल्दी से भरोसा हो जाता है, जैसे वो ट्रस्टवर्दी होते हैं वो सब पे जल्दी से ट्रस्ट कर लेते हैं, इसलिए काफ़ी टाइम उनको धोखा भी खाना पड़ता है। तो सब चीज़ों का ध्यान रख के, जात पड़ताल करके आप किसी के साथ काम कीजिए। अब हम जानते हैं पर्सनालिटी नंबर 3 के लिए क्या क्या करियर ऑपर्चुनिटीज़ हैं। नंबर 1, वो लोग होटल, रेस्टोरेंट, कोई भी बिजनेस फूड रिलेटेड प्रोडक्ट का कर सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स में डील कर सकते हैं, ऑयल्स में डील कर सकते हैं। दूसरा नंबर, वो एजुकेशन लाइन में जा सकते हैं, वो स्कूल्स खोल सकते हैं, कॉलेजेस खोल सकते हैं, वो लेक्चरर्स बन सकते हैं, टीचर्स बन सकते हैं, दे आर वेरी गुड इन दैट। नंबर 3, वो बैंकिंग लाइन में जा सकते हैं, फाइनेंस में जा सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में जा सकते हैं। नंबर 4, वो अकल साइंस में जा सकते हैं, स्पिरिचुअल वर्क कर सकते हैं, स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स का बिजनेस कर सकते हैं, दैट विल बी वेरी गुड फॉर देम। वो मिलिट्री पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट में जा सकते हैं, दे आर वेरी गुड ऑरेटर्स, पब्लिक स्पीकर्स अच्छे हैं वो लोग, तो कंसल्टेंसी कर सकते हैं, दे आर वेरी गुड एडवाइजर्स, तो एडवाइजरी कमेटी में जा सकते हैं वो लोग, दे आर वेरी गुड इन्फ्लुएंसर्स, तो ब्लॉगिंग भी वो लोग कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं पर्सनालिटी नंबर 3 के लिए कौन से फ्रेंडली नंबर्स हैं। फ्रेंडली नंबर्स हैं 1, 2, 3, 5 and 7, और जो अवॉइड करना चाहिए वो है 6, 4 and 8। मगर मैं आपको ये एक बात बताना चाहती हूँ, पर्सनालिटी नंबर 3 सारे पर्सनालिटी नंबर्स के साथ मेल खाता है, उनको किसी भी पर्सनालिटी नंबर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो हमेशा सबके साथ अच्छे से जेल कर पाते हैं। आइए अब हम जानते हैं पर्सनालिटी नंबर 3 के लिए कौन से लकी कलर्स हैं। लकी कलर्स हैं येलो, ऑरेंज, रेड एंड ग्रीन, और जो कलर्स उनको अवॉइड करना चाहिए वो है वाइट एंड ब्लैक, रेगुलर बेसिस पे उनको ना यूज़ करें। पर्सनालिटी नंबर 3 के लिए लकी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, और जो डायरेक्शन उनको अवॉइड करना चाहिए कोई भी इंपॉर्टेंट काम के लिए वो है साउथ वेस्ट। आइए अब हम जानते हैं पर्सनालिटी नंबर 3 को एनहेंस करने के लिए क्या क्या रेमेडीज़ हैं। पर्सनालिटी नंबर 3 को, जैसे पता है कि उनको जुपिटर रूल करता है, या आप बोल सकते हैं बृहस्पति रूल करता है, तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि स्टेशनरी आइटम्स का वो डोनेट कर सकते हैं, अपने गुरु को हमेशा वो रिस्पेक्ट करें, आपके गुरु ने कोई भी चीज़ अगर आपको गिफ्ट में दी है तो उसका एक ब्लेसिंग समझ के हमेशा अपने पास रखें। आप थर्सडे और ट्यूसडे को फास्ट कर सकते हैं, थर्सडे और ट्यूसडे बहुत ऑस्पिशियस डे आपके लिए, उस दिन आप येलो कलर की कोई भी चीज़ का दान कर सकते हैं, कोई भी फूड आइटम जो येलो कलर का है, जैसे तुअर दाल, चना दाल, मूंग दाल, आप दान कर सकते हैं। और आप चाहें तो रोज़ आप एक सेफ्रॉन का तिलक लगा सकते हैं, आप अगर विष्णु जी की पूजा करें तो बहुत अच्छा है आपके लिए। आपको मेडिटेशन योगा प्रैक्टिस करना चाहिए, और जो मंत्र आप हमेशा बोल सकते हैं वो है ओम श्री बृहस्पते नमः। अब वीडियो के अंत में मैं पर्सनालिटी नंबर 3 को यही कहना चाहूँगी कि आप इतने डिसिप्लिन्ड हैं, इतने चेयरफुल हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं और वेल मैनर्ड हैं, तो इन सब क्वालिटीज़ के साथ आप वर्ल्ड में क्या चीज़ है जो पा नहीं सकते, आप जो चाहते हैं वो पा सकते हैं, बस आपको रहना है फोकस, डिटरमाइंड, और अपनी नॉलेज को बांटते जाना है, शेयर करते जाना है। मैं आशा करती हूँ आपको जो चाहिए वो ज़िंदगी से आपको मिले, और आप सब रेमेडीज़ को फॉलो करके अपनी पर्सनालिटी को और एनहेंस भी करें। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप सबके लिए वो लाभदायक होगा। मेरा वीडियो बनाने की यही एक मंशा है कि हम एक दूसरे की पर्सनालिटी को समझें और एक दूसरे को प्रोत्साहन दें कि वो लाइफ में आगे बढ़े और हंस खेल के प्यार से एक दूसरे के साथ रहें। नमस्कार।